सिंगरौली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के कुल पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 182 पहुंच गई है। जेल के 16 पॉजिटिव में से 15 कैदी और एक प्रहरी हैं। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीमें कंटेनमेंट एरिया बनाने में जुट गई हैं। सिंगरौली में देर रात एक साथ 33 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिससे स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में टीमें सक्रिय हो गई और केस का एरिया चिन्हित होते ही 108 एम्बुलेंसों को उन्होंने नजदीकी कोविड केयर सेंटर या आइसोलेशन में शिफ्ट कराने का सिलसिला शुक्रवार शनिवार की आधी रात के बाद तक चलता रहा। सिंगरौली जिले में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले जिले के जेल में 21 कोरोना से पीड़ित महिला व पुरुष कैदी एक साथ मिले थे। अब फिर जेल में कोरोना बम फटा है। सिंगरौली में इस समय भीषण परिस्थितियों से गुजर रहा है। जिले में कोरोना के मरीज कम होने के बजाय जिले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सालय की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जिले की अंतर राज्य सीमाएं सील की हुई हैं। जो भी व्यक्ति इस जिले से बाहर का आ रहा है, उसी की सघन जांच पड़ताल हो रही है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन बॉर्डर के समीप सेंटर में क्वारंटीन किया जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।